त्योहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। वहीं अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति की, तो वास्तव में यहाँ की संस्कृति पूरे देश में प्रसिद्ध है। आइए आपको सरगुजा जिला के एक ऐसे त्योहार में शामिल करते हैं जिसकी परंपरा और रीति रिवाज को बरसों से एक मुस्लिम परिवार के मुखिया ने संभाल रखी है। पूरी मान्यता और रस्म के साथ गांव वालों को आज भी बड़े पैमाने पर जोड़ रखा है। जिला सरगुजा के धनगावा गांव में शाम से ही कर्मा के त्योहार को मनाने का माहौल बन जाता है। मान्यता के अनुसार कर्मी नामक वृक्ष पर कर्म सेनी देवी की पूजा की जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गांव में बड़ी तादाद में मुखिया के आंगन में एकजुट होते हैं। कर्मी नामक दार को आंगन के बीचों बीच स्थापित कर आसपास कर्मा के त्योहार में कुंवारी लड़कियां अपने कुल देवता की पूजा कर मन्नत मांगती हैं, ऐसी परंपरा है। आंगन में गेहूं की खूबसूरत जौ उगाकर दिए की लौ के साथ दार के चारों ओर इसे सजा कर रख दिया जाता है और पूरे आंगन में अपने गांव के वृद्ध की जबानी अपने कुल देवता की कथा पाठ सुना जाता है। महानंगर बसे रहेज भाई। हाँ जी। शहर ऊपर डहर। हाँ। इमट गली बेमट बाजार कहन की लड़का खेले 80,000। हाँ जी। बसिया में तो डोंगा बहे हुआ। हाँ। कुरकुट पान खाए करे तो कहन। कर्मा त्योहार गांव वासियों की अस्मिता का प्रतीक होती है, जिसे ग्रामीण कर्म पूजा भी कहते हैं। और इसी कर्म डार की टहनी के इर्द गिर्द महिला पुरुष पूरी साज सज्जा के साथ पंक्तिबद्ध होकर नृत्य कर कर्मा त्योहार को मनाते हैं। कर्मा त्योहार में गीत संगीत खान पान की पूरी प्रक्रिया रात भर चलती है, जिसमें विशेष रूप से मांदर टिमकी मंजीरा झांझ बांसुरी और घुंघरू की छन छन शामिल होती है। रात भर चले इस उत्सव को सूरज निकलते निकलते इसका समापन किया जाता है। इन्हीं खूबसूरत त्योहारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश विदेश में आज पहचान मिल रही है।